हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। जो बजाज हाउसिंग अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, इसकी किस तरीके से और कैसी लिस्टिंग हो सकती है और इसके फाइनेंशियल और तमाम फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करूँगा और ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर हमें अपनी हिस्सेदारी बनानी चाहिए या नहीं, इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें आपका 14,124 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा अगर जो आप आईपीओ को अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको 214 शेयर दिए जाएंगे। अप्लाई करने की डेट क्या है? 9 सितंबर से 11 सितंबर। बिडिंग डेट्स और प्राइस जो है, प्राइस इसका 66 रुपये से 70 रुपये के बीच में इसका प्राइस रखा गया है। लॉट 214 का टोटल जो इशू है इस आईपीओ का 6,560 करोड़ रुपये का है। कंपनी लगातार 2008 से वर्क कर रही है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मिस्टर अतुल जैन। तमाम बारीकी से आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर सुकून से पढ़ सकते हैं। और एनबीएफसी से रिलेटेड एक कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो देखिए 2022 में जो इसका रेवेन्यू था वो था 3,481 करोड़ का, 23 में बढ़कर हो गया कि 5,269 करोड़ का, और 2024 में इसका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 7,202 करोड़ का। कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखें कंपनी का तो देखिए, प्रॉफिट 2022 में 709 करोड़ रुपये का था, 2023 में बढ़कर ये 1,257 करोड़ का हो गया और 2024 में 1,731 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी का टोटल एसेट देखें तो एसेट भी कंपनी के लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2022 में टोटल एसेट थे इसके 48,527 करोड़ के, 2023 में बढ़कर हो गए 64,654 करोड़ के, वहीं 2024 में बढ़कर ये हो गए 81,827 करोड़ के इसके टोटल एसेट हो गए हैं। जो उनकी ज़मीन वगैरह, लैंड वगैरह जो होते हैं, ऑफिस जो बनाती है कंपनी, जो भी उनके एसेट होते हैं उसके अंदर भी लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क भी देख लें वो किस तरीके से हैं। तो देखिए, कंपनी के पास 3,08,693 एक्टिव क्लाइंट हैं और उन क्लाइंट में से भी 81.7% जो उन्होंने लोन बांटा है वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए ही बांटा है। 3,08,693 जो लोग एक्टिव कस्टमर हैं उन्होंने ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस ही कंपनी ने बांटा है और इसी का कंपनी बिजनेस कर रही है, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। वहीं 2023-24 में देखें तो ये कर्ज बांटा था उन्होंने 34,333 करोड़ का और उससे पिछले साल देखें तो 26,175 करोड़ का उन्होंने लोन बांटा था। उसके हिसाब से कंपनी का लगातार लोन कंपनी बढ़ाती जा रही है, अपने कस्टमरों को बढ़ाती जा रही है, तो इसके हिसाब से कंपनी के अंदर इसकी अच्छाई आप देख सकते हैं। कंपनी के पास 215 ब्रांचेस हैं 174 लोकेशन पर 20 स्टेटों में, जो कि केंद्र शासित भी हैं और अलहदा जो स्टेट हैं, टोटल मार्केट 20 स्टेटों में इनके 215 ब्रांचेस हैं। तो कंपनी की ब्रांचेस भी अच्छी हैं, एक्टिव क्लाइंट भी कंपनी के पास खूब अच्छे खासे हैं और ब्रांड आप जानते ही हैं बजाज। बजाज को कौन नहीं जानता, बजाज के नाम से ही इस आईपीओ में मुझे लगता है बहुत बम्पर आईपीओ भरा जाएगा। तमाम टोटल न्यूज़ आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ कुछ बुराइयाँ भी दिखाऊँगा। तो देखिए, जो कंपनी के ऊपर इस चीज़ का हमेशा दबाव रहता है जो बुराइयों में शामिल है,
कि कंपनी लोन तो बांट देती है लेकिन उसको उस लोन की रिकवरी करने में दिक्कत होती है और परेशानी का सामना कंपनी को करना पड़ता है। चाहे कोई भी लोन बांटने वाली कंपनी क्यों ना हो, उनके साथ ये दिक्कत रहती ही है। तो कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है टोटल, वो बोरोइंग है 69,129 करोड़ की। तो कंपनी का काम ही लोन बांटना है, कर्ज लेना और कर्ज देना, तो ये कर्ज ज़्यादा है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी आप इसकी तमाम रिसर्च देख सकते हैं, तमाम पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैं इसको पूरी पढ़ के बताऊँ और सुनाऊँ, आप भी बोर हो गए और मेरा भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और इसके तमाम IPO की डिटेल को समझ सकते हैं। अब मैं अपनी राय रखूं तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस IPO के अंदर बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके दो कारण हैं। देखिए, सबसे पहला तो इनका जो इशू प्राइस है बहुत कम है, जो 60-70 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, और ख़ास करके ऐसे शेयर के ऊपर जो हमारे रिटेलर होते हैं वो टूट के पड़ते हैं। और दूसरी बात, कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है, बजाज का नाम इसके ऊपर चिपका हुआ है, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर बहुत बेहतर रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच और मेरी राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं पहले खुद अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही इस IPO को अप्लाई करें। जहाँ तक मेरा समझ कहती है, इस IPO की बम्पर लिस्टिंग होगी और बम्पर प्रॉफिट भी इसके अंदर होने वाला है। तो दोस्तों, तमाम जो मैंने आपको जानकारी दी वो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।